जो चक्रवर्ती होते हैं उनके पास में जो संपदा होती है, बड़े बड़े राज्यों के वो स्वामी होते हैं, उनके लिए गांव, नगर, अटंब, अनेक तरह के ऐसे पुर इत्यादि होते हैं जिनके वो स्वामी होते हैं, उनका यह वर्णन किया जा रहा है कि जो अनेक करोड़ों करोड़ों ऐसे 26,000 पुर होते हैं जिनके चारों ओर चार दरवाजे होते हैं। आपने देखा होगा पहले के नगर जो होते थे उनमें चार दरवाजे हुआ करते थे, आगरा में भी है कि नहीं है? पुराने नगरों में हुआ करते थे, वो दरवाजे बंद हो जाते थे, नगर सेफ हो जाता था। वह ऐसे 26,000 नगरों के जिन वह स्वामी होते हैं, जिनको 500-500 गांव जुड़ते हैं उसे अटंब बोलते हैं, ऐसे 4,000 अटंबों के वो स्वामी होते हैं। पर्वत और नदी के किनारे जो खेत होते हैं ऐसे 16,000 खेतों के वो स्वामी होते हैं। अनेक प्रकार के करवट होते हैं, ये पहले के नाम होते थे खेत करवट, करवट उनको कहते हैं कि जो पर्वत को घेरे हुए द्वीप होते हैं उनके आसपास उन्हें करवट बोलते हैं, ऐसे 24,000 वो करवटों के स्वामी होते हैं। पत्तन बोलते हैं, जैसे आप लोग आजकल ये विशाखा पत्तन वगैरह बोलते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, ऐसे पत्तन होते हैं जहां पर वह अनेक तरह के रत्न उपजते हैं, 48,000 पत्तनों के स्वामी होते हैं। द्रोणमुख होते हैं, जो पर सागरों के किनारों पर जो घाट होते हैं उन पर जो स्थान बने होते हैं उन्हें द्रोणमुख कहते हैं, ऐसे 1,00,000 द्रोणमुख के स्वामी होते हैं। पर्वतों के ऊपर जो स्थान बने रहते हैं उन्हें संवाहन कहते हैं, ऐसे 14,000 स्थानों के वो स्वामी होते हैं। अनेक 28,000 दुर्ग बड़े बड़े जहां पर कि कोई शत्रु प्रवेश ना कर सके वो उसके स्वामी होते हैं। अनेक उपसमुद्रों के अंदर भी और भी द्वीप होते हैं, अंतरद्वीप उन्हें कहते हैं, उनके भी वो स्वामी होते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में भी वो रत्नाकर होते हैं, रत्नाकर में जहां अनेक हजार अनेकों करोड़ों रत्न होते हैं ऐसे 26,000 रत्नाकरों के वो स्वामी होते हैं। रत्नों के कुंड जहां पर होते हैं ऐसे रत्नों की धरा के वो स्वामी होते हैं। और इस तरह के पुर स्थानों के स्वामी वह एकमात्र चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती कभी लड़ने झगड़ने से नहीं बनते, वोटिंग से नहीं बनते, ये सब बनते हैं तीव्र पुण्य के उदय से। कितने जन्म में उन्होंने मुनि पद पाया और मुनि पद में भी वह अंतिम समाधि मरण कैसे कष्ट के साथ हुआ, कभी अजगर लील गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना से नहीं डिगे, ऐसे पुण्य से वह आज चक्रवर्ती बने हैं। देखो उस पुण्य की संपदा, दूसरे की संपदा देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? ईर्ष्या तो नहीं होगी? ईर्ष्या भी अगर ऐसी संपदाओं से हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आप में मन तो बन जाएगा कि चलो हम भी ऐसे कभी चक्रवर्ती बनेंगे, तो ऐसे ही मुनि बनकर के साधना करके ही मुनि बनकर के ही हम चक्रवर्ती बन पाएंगे। समझ आ रहा है? देखो क्या होता है, बर गयंद 84,00,000 बड़े बड़े हाथी होते हैं, जिन्हें 84,00,000 हाथी होते हैं। कितने ये मत पूछना कहां रहेंगे, तुम्हारा आगरा छोटा पड़ जाएगा। 18 करोड़ बहुत बड़े बड़े तेजी से दौड़ने वाले घोड़े होते हैं जो हवा से बातें करते हैं। 84 करोड़ प्रमाण, अनेक प्रकार के बड़े बड़े उनके पैदक संग होते हैं, और 96,000 उनकी रानियां होती हैं। कितनी गस खा के गिर मत पड़ना भाई, कितनी? एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। बोलो बोलो एक बार बोल के बताओ, 96,000, मतलब सही समझ में आ रहा आपको? ऐसी वह अनेक तरह की संपदा को धारण करने वाले और शरीर से अति मनोज्ञ सम चतुरस्थ संस्थान उत्कृष्ट बल, अनेक प्रकार के उनके लिए मिलेच्छादी राजा भी उनके चरणों की सेवा करने वाले, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में बैठकर के हमेशा प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैं, ऐसे वह चक्रवर्ती होते हैं जिनके पास में 9 निधियां होती हैं और 14 रत्न होते हैं।